সাবস্ক্রাইব করুন DNN বাংলা চ্যানেলটি এবং নিত্য নতুন খবর পেতে বেল আইকনটি ক্লিক করুন। আরে মুসলিম তো ডর রহা হ্যায় সিএ লেকে, তো আপ ভি এক মুসলিম হ্যায় তো ক্যা কহেঙ্গে ইসকে বারে মে? बिल्कुल भी डर नाजायज़ है, मतलब डरने की कोई बात ही नहीं है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ये साफ बोल दिया गया है, अगर एक्ट को सही से पढ़ा जाए इसमें मुसलमानों की कहीं पर कोई बात ही नहीं आ रही कि किसी को निकाल दिया जाएगा या किसी को भेज दिया जाएगा। और जहां तक आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों को पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिटीजनशिप देने की बात हो रही है, किसी से छीनने की बात नहीं हो रही है। तो ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। हम लोगों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी एक इमाम के बारे में देखा था, कुछ चैनल्स पे आ रहा था कि उन्होंने भी कहा है कि मुसलमानों को सब्र से काम लेना चाहिए। देखिए, किसी चीज़ के लिए आप अगर विरोध करते हैं या आप अपने अपने अपनी राय देते हैं वो बुरा नहीं है, आप दें, अगर आपको डर लग रहा है तो आप दें। लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना, किसी के साथ गलत करना, किसी को परेशान करना, वायलेंस फैलाना, ये सब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। देखिए, NRC के बारे में तो अभी कोई बात चर्चा हुई ही नहीं है, अभी उसकी ड्राफ्टिंग भी चर्चा में नहीं आ रही है। CAA हो चुका है, हो के रहेगा, हम लोग बिल्कुल उसके समर्थन में हैं। और जहां तक अगर रेशियो निकाला जाए तो हिंदुस्तान के 80% जनता ये चाहती है कि CAA हो। मैं मुसलमानों को आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज ज़रूर भेजूंगी कि CAA को पहले पढ़े, उसको समझे और तब फिर रिएक्शन दें। मैं अगर कहीं जाती हूँ, किसी से पूछती हूँ, जैसे लोकल एरिया में चले जाती हूँ, वहाँ भी मैं पूछती हूँ कि आपको CAA का फुल फॉर्म पता है, तो वो कहते हैं नहीं, हमको पता नहीं है CAA का फुल फॉर्म। तो आप बताएं कि जिस मुसलमान को CAA का फुल फॉर्म नहीं पता, उनको एक्ट के बारे में कैसे पता होगा? तो दीदी, ये थोड़ा सा एक गेम खेल रही है एक्चुअली। अब उनके पास तो TRP के लिए और मीडिया में बने रहने के लिए कुछ है नहीं, तो चलो यही सही, लेकिन मुसलमानों के जज्बात के साथ वो खेल रही है। दीदी, आज विधानसभा में कांग्रेस और CPM ने राज्य मतलब विधानसभा में एक CA विरोधी बैठक होने वाला था, लेकिन दीदी नहीं गया उस बैठक में, क्या कहेंगे? देखिए, वो अब डर चुकी है, अब उनके बारे में बोलकर कोई फायदा नहीं है। गुजरात को रोज गाली देती हैं और गुजरात से ही पीके बुलाती हैं, तो प्रशांत किशोर के इशारे पे वो चल रही हैं, गुजराती दिमाग के इशारे पर चल रही हैं, तो क्यों ना हमारे मोदी जी के इशारे पे वो चल ले तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी वो बौखलाई हुई हैं, उनको पता है कि 2021 में वो जा रही हैं, ये तो तय है, ये वो जानती हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू।